नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे साथ बैठी शख्सियत को आप देखकर पहचान गए होंगे कि ये नीरज याग्नि जी हैं। नीरज याग्नि जी हाल ही में मनाली से लेह की साइकिल यात्रा रिकॉर्ड 4 दिन में पूरी करके लौटे हैं। नीरज भाई स्वागत है, और स्वागत के साथ बधाई आपको बहुत बहुत कि आपने एक फिर नया काम किया है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कीर्तिमान आपका प्रयास नहीं होगा, लेकिन कीर्तिमान तो बना है। कीर्तिमान कभी ना कभी बनते ही हैं, फिर उसे तोड़ते हैं लोग, इसलिए बनते हैं। मैं चाहता हूँ कोई तोड़े, इसलिए बना है। क्या बात है, कितनी चुनौती थी? ये चुनौती भरा रास्ता था और पहाड़ों का सफ़र था, जिसपे ऑक्सीजन भी कम मिलना थी, खूब बर्फ़ मिलना थी क्योंकि रास्ता भी चालू नहीं हुआ है। रोहतांग तक जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, तो रोहतांग पे बर्फ़ खूब है। रोहतांग बियॉन्ड रोहतांग जो पासेस बनते हैं, वे पासेस भी अभी बनना बंद है। तो सिर्फ सफ़र में सरकारी और सेना के लिए जो गाड़ियां जा रही हैं वे सब थी, बाकी टूरिस्ट का ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। आपने कहा कि टूरिस्ट का ट्रैफिक ना के बराबर था, इसके पहले की यात्राओं के भी हम साक्षी रहे हैं, आप सब लोगों ने भी देखा है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे वो द्वारका से डिब्रूगढ़ हो, चाहे अयोध्या की यात्रा हो, नर्मदा परिक्रमा हो, तमाम सारी यात्राएं थी। अगर हम ऐसे कंपेयर करने जाए तो इस यात्रा को कितना भिन्न मानते हैं और कितनी चुनौती सबसे ज़्यादा क्या इस यात्रा में थी अभी तक की यात्राओं में? देखिए, सभी यात्राएं अलग अलग होती हैं और सभी में कुछ न कुछ अलग तरीके की चुनौती होती है। इसमें जो मुख्य चुनौती थी और जो लोग कर चुके हैं, इंदौर से भी 3-4 लोगों ने ये यात्रा की है, और उनका भी यही कहना था कि आपकी जो पुरानी यात्रा है और यह यात्रा में बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें आपको अपहिल के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी रहेगी, और वो जो ऑक्सीजन की कमी है वो आपको दुख देगी। तो बस यही चुनौती मैं लेके चला था, और न जाने क्यों मुझे मन में ऐसा था, आप देख रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है, मैं ऑक्सीजन बनाने में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे मालूम था ऑक्सीजन मेरा साथ देगी और उसने मेरा भरपूर साथ दिया। आपने कहा ऑक्सीजन से प्रेम है, ऑक्सीजन बनाने में विश्वास करता हूँ, ऑक्सीजन ने मेरा भरपूर साथ दिया है, पर वहाँ पहुँचकर हकीकत में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन तो हुआ होगा? देखिए, अगर ऑक्सीमीटर की बात करें तो सरचू में मेरा जो ऑक्सीमीटर बता रहा था ऑक्सीजन का परसेंटेज, वो था 68 से 72, और जब मैं पैंग में पहुँचा तो पांग तक आते आते 78 के आसपास हायर साइट पे मेरा ऑक्सीजन रहता था, और जैसे ही मैं लेह में पहुंचा तो लेह तक 94-96 हो गया। आमतौर पर अभी हम देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन से लोगों का पाला ताज़ा ताज़ा ही पड़ा है, पिछले 1.5 साल से लोग ऑक्सीजन के बारे में समझने लगे हैं, तो क्या लगता है आपको कि 68 और 72 में तो हॉस्पिटलाइज हो जाता था आदमी? नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन है ही कम, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कम, आप किसी का भी अगर वहाँ पे अगर आँकेंगे अगर उसमें ऑक्सीजन का लेवल, तो वहाँ ऑक्सीजन सरचू में, यहाँ तक कि बाइकर्स तो रुकते ही नहीं है सरचू में, कि सरचू में बोले सबसे कम ऑक्सीजन है, तो वहाँ नहीं रुकते लोग। इस यात्रा के उद्देश्य की बात करें तो क्या था? देखिए, मेरा तो हर यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि युवाओं को मैं प्रेरित कर सकूँ, युवा जो नशे में डूबे हैं उन्हें जगा सकूं, और जब वो देखें कि एक अंकल जी इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। ये 55 वर्ष की उम्र में इनके कामों से आप इनको अंकल जी का तोहफा नहीं दे सकते, उसका तमगा नहीं दे सकते। रहा सवाल युवाओं को प्रेरित करने की बात कही है नीरज भाई, तो मैंने एक वीडियो आपका देखा था, वहाँ पर आपने बॉटलें इकट्ठी की थी और प्रदूषण को लेकर भी, पर्यावरण की दिशा में भी एक अच्छा प्रयास किया था, और कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको सराहा भी था। सुनील भाई, क्या हुआ, जब मैं मनाली से निकला तो रोहतांग का अभेल चालू हो जाता है, बहुत खूबसूरत रास्ता, वहाँ पे हरियाली भी है, और जब मैं 2-1 किलोमीटर गया तो मुझे रास्ते में 2-3 जगह ऐसा रहा कि कहीं बोतल दिख गई, कहीं पानी की बोतल दिख गई, कहीं जूस की बोतल दिख गई, कहीं पाउच दिख गए, तो मैं सोचता जा रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग। फिर वही जो एक इंदौरी कीड़ा होता है, जो हर इंदौरी में एक जाग चुका है कीड़ा,
और बीमारी कह सकते हैं कि हमें गंदगी देख के या कुछ भी कुछ गलत किया हुआ रहता है तो हमें सहन नहीं होता। उसके बाद लगा मैं अपील थी, साइकिल चला रहा था, थक भी रहा था क्योंकि शुरुआत ही सीधे चढ़ाई मिल गई थी, पर जहाँ मुझे बॉटल दिखती मैं रुकता, बॉटल को इकट्ठी करता। खूब लोगों ने शराब की बोतलें पी पी के फेंक रखी थी, पानी की बोतलें भी थी, जूस की बोतलें थी, तो करीब मैंने 30-40 दो थैली भर के बोतलें इकट्ठी करी और हमें आगे जाके एक जगह मिल भी गई जहाँ पे बोतल फेंकने और कचरा फेंकने की जगह थी। हमने वहाँ बाकायदा उसे फेंका और मैंने अपना एक इंदौरी धर्म निभाया है। नरेश भाई, एक जगह कुछ वीडियो में हम देख रहे थे जहाँ पर पानी की बोतलें रखी जाती, वो क्या माजरा था? असल में क्या है कि सरचू से जब हम चलते हैं तो पांग तक 80 किलोमीटर मतलब कोई आदमी का आपको दिखेगा ही नहीं, खाली पूरा सिर्फ मतलब रेगिस्तान, पूरा पहाड़ों बर्फ़ का रेगिस्तान, तो कोई आदमी नहीं दिखता इसमें। तो घाटा लूप से 21 घाटा लूप्स हैं, घाटे घाट चढ़ने पड़ते हैं 21 और लूप में है वे, तो उसके बिल्कुल आप समझिए बीचों बीच एक परंपरा बनी हुई है कि लोग वहाँ पर पानी रख के जाते। कहा ऐसा जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई थी प्यासे रहने के कारण वहाँ तक आते आते, तो लोग वहाँ पर पानी रख के जाते हैं। वो मेरा सोचना है आज के ज़माने में शायद इसलिए लोग पानी रख के जाते हैं कि 80 किलोमीटर तक बीच में कहीं पानी की एक बोतल, चाय की एक चुस्की आप नहीं ले सकते हैं, तो लोग पानी रख के जाते हैं कि कोई प्यासा हो तो अपनी प्यास बुझा सके। आपने बताया कि वो जो लूप्स, विभिन्न लूप्स थे, उस लूप्स को भी आपने उस वीडियो के अंदर दिखाया है। प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा था, हम देखें बर्फ़ जमी हुई है, बीच में से सड़क है, आपकी साइकिल चल रही है और वीडियोज़ जो मैंने देखे काफ़ी अच्छे थे। तो क्या लगता है प्रकृति को कितना जिया और कितने अच्छे से जिया और क्या अनुभूति थी आपकी? देखिए, प्रकृति को सबसे अच्छी तरीके से जीने का या प्रकृति को देखने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल। साइकिल धीरे चलती है, साइकिल में हम आसपास चारों तरफ देखते भी रहते हैं, साइकिल चलाते चलाते हैंडल हमारा सामने रहता है और हम इधर इधर ऊपर नीचे देखते रहते हैं। कार में स्पीड बहुत तेज़ रहती है तो हम जो भी देखते हैं वो चुटकियों में हमारी निगाह से ओझल हो जाता है, या हम अगर पैदल चलते हैं, रनिंग करते हैं, तब हमारा ध्यान ज़मीन की ओर होता है, तब भी हम प्रकृति को निहार नहीं सकते इतने अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है साइकिल बहुत अच्छा माध्यम है अगर प्रकृति को निहारना है, और मैं इसे अध्यात्म का भी जरिया मानता हूँ कि साइकिल पे हम जब अकेले रहते हैं और हम सोचते रहते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते रहते हैं, तो बहुत आनंद आता है और कहाँ सफ़र हो जाता है दिन भर का मालूम भी नहीं पड़ता। एवरेज प्रतिदिन कितना ट्रैवल किया? देखिए, ये कुछ 470-75 किलोमीटर की राइड थी और चार दिन में करी, तो करीब वही 120 किलोमीटर के आसपास का मेरा एवरेज रहा इसमें। और आखिरी दिन मैंने 177 किलोमीटर, मतलब दो दिन की राइड मैंने एक दिन में करी और पहले दिन भी दो दिन की राइड एक दिन में करी थी। मैं पिछले कुछ वाक्य को याद कर रहा हूँ, पिछले आपकी यात्राएं, मुझे याद था कश्मीर से कन्याकुमारी का अंतिम दिन जो था उसमें भी आपने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था। हाँ, अंतिम चार दिन जी, अंतिम चार दिन में करीब मेरे ख्याल से 950 किलोमीटर मैंने आखिरी तीन चार दिन में कर दिए थे। तो जब हम मंजिल के करीब आते हैं तो एक अलग उत्साह रहता है और मज़ा आने लगता है। देखिए, प्रकृति का मज़ा, साइकिलिंग का मज़ा, नौजवानों को ये बताने का भी एक अलग आनंद है और बताने की कोशिश भी नीरज भाई 55 वर्ष की उम्र में करते आ रहे हैं कि साइकिलिंग मैं 55 वर्ष की उम्र में कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागृति लाना, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जिनका जो उद्देश्य विहीन बातों की तरफ जा रहे हैं, उन सबको जागृत करना है। और निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास नीरज भाई कर रहे हैं, हमेशा से करते आए हैं, लगातार हम देखते आए हैं। नीरज भाई, सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स काफ़ी हैं और मुझे लगता है कई सारे लोग आपको अपना आदर्श मानकर भी साइकिलिंग की दिशा में आए हैं, क्या कहते हैं? ये तो ईश्वर जाने मुझे आदर्श मान रहे हैं या नहीं मान रहे, पर हाँ, कुछ मित्र मेरे और कुछ फिटनेस के प्रेमी
ज़रूर मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपको देख के हम ये चीज़ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को दिन भर में 45 मिनट का समय अपने शरीर के निकालना चाहिए शरीर के लिए। और कोविड काल के बाद से तो लगभग ये ज़रूरी भी हो गया है कि आपको अपने शरीर के लिए समय निकालना पड़ेगा, कहीं से भी निकालें आप। और हर आदमी के पास खूब समय है, बस उसे अपने समय को थोड़ा सा मैनेज करना है। हर आदमी के पास खूब समय है। कोरोना ने निश्चित तौर पर हमें इस दिशा में जागरूक करने का प्रयास किया है कि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। 45 मिनट का वक्त अगर आप अपने लिए निकाल पाते हैं, और खूब समय है जैसा नीरज भाई कह रहे हैं और सही बात भी है, अगर हम अपने शरीर के लिए 45 मिनट निकाल सकते हैं तो निश्चित तौर पर हर चुनौती को पार करना काफ़ी आसान होगा। बहरहाल नीरज भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।